छह लाख करोड़ रुपया अडानी जी जो पूंजीपतियों के हाथ में देश का बड़ा पैसा है शेयर मार्केट में लेकर डूब जाते हैं। आप नोनो पेंशन लें और जो पूरा जीवन सरकारी कर्मचारी देश को देता है, पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी से देश के हर महकमे में सरकारी कर्मचारी काम करता है, उसको ना पेंशन मिलेगी ना हक मिलेगा। हम ही हमारे ही कारण आप हैं, आपके कारण हम नहीं हैं। यदि ये सरकार नहीं सुनेगी तो अगली सरकार को हमें लाना होगा। आज संसद मार्ग पे तमाम लोग जो एकत्रित हुए हैं, आप देख सकते हैं तमाम लोगों के हाथों में बैनर पोस्टर है, इस पे लिखा हुआ है जो नॉनो पेंशन डकार रहे आज हम उनको ललकार रहे। ललिता अध्यापक जी हमारे साथ हैं और पीछे आप बैनर मैं आपको दिखा दूं, उस पे लिखा हुआ है पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर संसद पर संकल्प धरना। तो यहाँ पर संकल्प धरना हो रहा है, तमाम टीचर्स वर्ग भी है यहाँ पर, तो हमारे साथ ललिता अध्यापक भी है। तो ललिता अध्यापक जी, क्या ऐसा आन पड़ी मुसीबत कि आपको यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ा? तमाम लोग तो कर ही रहे हैं और अब जो है टीचर्स भी जो रोडों पे आ चुके हैं। पूजा जी, हर वर्ष 1 फरवरी को हमारा बजट पारित होता है, पूरे देश की निगाहें वहाँ गड़ी रहती हैं। हम लोग चौथे स्थान पर हैं जो 100% प्योर टैक्स पेयर हैं। हमारे टैक्स से सरकारें चलती हैं, सरकारों के सारे बड़े मुद्दे और बड़े काम हल होते हैं। आज सरकारी कर्मचारी सड़क पर आने को आतुर है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का हर सरकारी कर्मचारी हर विभाग से आज यहाँ उपस्थित है, जैसे जामिया से हैं, JNU से हैं, मंत्रालय से हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, सारी नर्सेस की यूनियन है, KVS है, डुक्कू है, डकलसा है, ICU है, जिसके 114 संस्थान पूरे भारत में, जिसे हम पूसा कहते हैं। और हम लोग अध्यापकों की ओर से, मैं इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन की उपाध्यक्ष ललिता अध्यापक हूं, और आज हम पुरजोर इस बात को आह्वान करते हैं कि हम सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। वो हमारा हक और हमारा अधिकार है। 6 लाख करोड़ रुपया अडानी जी जो पूंजीपतियों के हाथ में देश का बड़ा पैसा है शेयर मार्केट में लेकर डूब जाते हैं, और हमारा NPS का सारा पैसा आज कहते हैं कि शेयर मार्केट में है। वो पैसा कहाँ है? क्यों हमारे पैसे की सुरक्षा नहीं की जाती? हम लोग सरकारों को, नेताओं को इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे हक अधिकारों का हनन ना होने दें, हमारे धन को, हमारे अर्थ को सुरक्षा मुहैया करा सकें और वो विश्वास जन को हमको दे सके। सम्मानित जनसंख्या, आज सभी नेताओं की ओर आंखें बाहर खड़ी हुई है कि हम लोगों की झोली में कुछ आएगा। ये पहली हमारी वित्त मंत्री है जो लगातार 3 बार जिन्होंने बजट पेश किया है, लेकिन बहुत ही अफसोस, बहुत ही दुख की बात है कि महिला होने के नाते इन्होंने महिलाओं पर ना तो ध्यान दिया और ना ही महिला की झोली में कुछ डाला है। बड़ी निराशा हाथ लग रही है, सारी महिलाएं उनकी ओर निगाहें लगाए बैठी हैं कि रसोई में कुछ आएगा, क्या इस बार भी सिलेंडर सस्ता होगा, क्या सब्जियां सस्ती होंगी, क्या महंगाई फिर से, वो अभी बड़ा गाना गा रहे थे ना, महंगाई डायन खाए जाते, ये कहाँ है वो लोग जो सड़क पर उतर के गाना गा रहे थे? कांग्रेस के टाइम में महंगाई थी और BJP ने वाजीवा, और ये जो संसद में बैठे हुए बड़ा जोर शोर से कहते हैं कि यदि पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों को दी गई तो आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमराएगी। वाह साहब, आप नोनो पेंशन लें और जो पूरा जीवन सरकारी कर्मचारी देश को देता है, पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी से देश के हर महकमे में सरकारी कर्मचारी काम करता है, उसको ना पेंशन मिलेगी ना हक मिलेगा, ना अधिकार मिलेगा ना सम्मान मिलेगा। ये कैसा शासन है? और कहने को कहते हैं राम राज्य, कौन सा राम राज्य है ये जो इस प्रकार की सरकारें चल रही हैं? यहाँ दिल्ली पर हाहाकार है, आज सारा सरकारी कर्मचारी आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। सरकार जो संसद में बैठी है, अपने कान खोलो, हमारी आवाज को सुनो। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरकारें हम देशवासियों के लिए बनती हैं और ये नेता हम चुनते हैं, नेता हमारे लिए हैं, हम नेताओं के लिए नहीं हैं। इस बात का हम पुरजोर विरोध करते हैं। जनगणना हम कराते हैं, इलेक्शन हम कराते हैं और जन सब कुछ हम करते हैं, और देश की विडंबना ये है जिस बंदे ने, हम उसका नाम नहीं लेंगे,
जिसने पेंशन बंद की उसकी पूरी जिंदगी पेंशन पे निर्भर रही। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी पेंशन बंद करके चले गए और पूरी जिंदगी उन्होंने पेंशन पे ऐश मारी। तो मैं तो कहती हूँ उन्होंने पेंशन डकार रहे और हम यहाँ सरकारी कर्मचारी उन्हें ललकार रहे। अब सड़कों पर आ गए हैं क्योंकि कहते हैं उसूलों पे अगर बात आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है। तो आज सरकारें की जो इतनी अनीतियाँ हो गई हैं, इनकी कुरीतियाँ हो गई हैं, उनसे हम पीड़ित हैं, दुखी में हैं। और आज मैं ललिता अध्यापक आह्वान करती हूँ सभी सरकारों से कि पुरानी पेंशन दे के आप एहसान नहीं कर रहे। हर महीने हम अपना 24% हर महीने अपना पैसा देते हैं, हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए। कर्मचारी कोई दूसरा काम भी नहीं करता, ये हमारे RR में लिखा है कि हम केवल अपनी तनख्वाह पे ही। ये देखिए जनता पीछे बोल रही है, जनता में रोष है, अब लोग चुप बैठने वाले नहीं है। जब ही जंतर मंतर पर आए हैं, आज संकल्प धरना है इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के छाते के तले सभी सरकारी कर्मचारी एक हो चुका है और हम यहाँ आ चुके हैं। और पूजा जी आप जानती हैं हम 12 महीने काम करते हैं, 10 महीने की तनख्वाह उठाते हैं, 2 महीने की तनख्वाह पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। हम पूरे देश में 4th नंबर पर आते हैं तो सरकारें चलाते और देश में देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज हम लेकिन आज 1 फरवरी है, बजट आ गया है, उसमें जो द्रौपदी मुर्मू का जो 1.5 घंटे भाषण आया था संसद से, तो कह रही थी आम जनता के लिए मेरी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, उनको जो है उनको राहत दी है इसमें, तो उनके बजट का इंतजार तो कीजिए, अभी 1:30 बजे से बजट आना वाला है। पूजा जी हम बखूबी जानते हैं हर बार झूठे दावे और वादे सरकार के हैं जो कि धरातल पर इतनी सारी जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं आप देखिए जन समूह के पास पहुंच ही नहीं पाती हैं, उनकी प्रक्रिया इतनी टाइट होती है। कहने को बहुत सारी योजनाएं लाए हैं, आप खुद भी जानते हैं ये 4th स्तंभ मीडिया सामने खड़ा है, इसीलिए यहाँ खड़ा है कि हम सच बोल रहे हैं। आज गोदी मीडिया के माध्यम से कोई ऊंची बात नहीं होती, एक ही तरफ पूरा स्तुति गान चल रहा है कि मोदी सरकार जन आंदोलन यहाँ तक आ चुका है, लेकिन हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम इनके झूठे वादों से दुखी हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं, बहुत पीड़ा में हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। कितनी बार टैक्स देंगे, इतना टैक्स तो अंग्रेजों के टाइम में नहीं लगता था, 2 महीने की तनख्वाह टैक्स के रूप में दे दी, उसके बाद हम कपड़े पर, साबुन पर, तेल पर, वाहन पर, घर पर, रोड पर हजारों तरह के टैक्स देते रहे। फौजियों को टैक्स फ्री सामान मिलता है, वैसे हमें भी टैक्स फ्री देना चाहिए, ये क्यों नहीं सुनते। बजट में पेश किया गया कि 27 लाख करोड़ रुपए दिया गया गरीबों को, आप बताइए ना कहाँ कौन से गरीब हैं। ये बातों के बताशे बहुत बट रहे हैं, कब जन आंदोलन के पास आएगा? आप लाइए उन गरीब लोगों को जो कहें कि हमारे पास इतना पैसा आया, हमें पुरानी पेंशन बहाल करिए, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारियों का बुढ़ापे का एक ही सहारा है। और सांसद ले रहे 9-10 पेंशन और बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ी में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में घूमते हैं। अभी एक प्रवक्ता साहब का बयान आया कि उनके पास चाय पीने के लिए बहुत लोग आते हैं, इसलिए उनको पेंशन चाहिए। तो हम सब ने तो एकजुट होकर संकल्प किया है कि इनके पास कोई चाय पीने नहीं जाएगा, क्योंकि वो पैसा हमारे पैसे से चाय पिलाएंगे क्या? आपकी बात सही है, पर आप तो काफी लंबे टाइम से जो है ये मांग रख रहे हैं, पर आपकी तो बात सुन नहीं सकता। जब तक हमारी आवाजों को नहीं सुना जाएगा, हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा, हम लगातार धरने धरेंगे, सड़कों पर आएंगे, चक्का जाम करेंगे। अभी तो ये आगाज है, अंजाम देखिएगा कैसा होता है, क्योंकि हम सब अध्यापक हैं, हम सब राष्ट्रीय निर्माता हैं। और मैं कह चुकी हूँ कि सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम और मजबूरी माँ बेचेंगे। इतने सस्ते नहीं हैं हम। और इस बार यदि पेंशन नहीं तो वोट नहीं। आप पेंशन की बात कर रही है कि मीडिया जो है पेंशन की बात नहीं कर रहा है, मीडिया ये सब नहीं दिखाएगा, मीडिया के लिए तो आपका मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है ना सरकार के लिए। देखिए मीडिया किसके लिए, मीडिया के लिए तो क्या मीडिया, बागेश्वर धाम बाबा मीडिया है। समाज के लिए नहीं है क्या मीडिया? सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं है? यदि यहाँ सारा सरकारी कर्मचारी पैन ड्रॉप स्ट्राइक कर देगा तो देश कैसे चलेगा? यदि यहाँ सारे अध्यापक एक साथ मिलकर एकजुट होकर सड़क पर आ जाएंगे तो राष्ट्रीय निर्माताओं को बनाने वालों का होगा क्या? आप बताइए कैसे समाज चलेगा? आचरण, चरित्र, व्यवहार, रोजगार बनाने वाले तो हम हैं, आज हम सड़क पर आ गए। ये कितना त्राही माह है देश में, इसको समझना होगा। सरकारों उठो, जागो, हमारी ओर भी ध्यान दो, हमारे ही कारण आप हैं, आपके कारण हम नहीं हैं। यदि ये सरकार नहीं सुनेगी तो अगली सरकार को हमें लाना होगा, सरकार बदलेंगे, सरकार का तख्ता पलट करेंगे।
तक कलेक्ट कैसे करेंगे? उनके पास तो सत्ता है, पावर है और लगातार वो तो अच्छे काम गिना रही है, मीडिया गिना रही है, लोग गिना रहे हैं। सत्ता पावर लाने वाले हम हैं, सरकारें खुद से उठकर नहीं आती है। वोट की चोट होगी और अब लगातार धरने होंगे पुरजोर आवाज के साथ। हम लोग अब संसद के सामने बैठे हैं और कुछ मुझे लगता है कि काफ़ी सारे सांसद हैं। अब आप देखिए पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में अब आवाज़ उठने लगी है। वहाँ के नेताओं ने, वहाँ की सरकारों ने ये मान लिया है कि पुरानी पेंशन वाकई में बहुत ज़रूरी है। और ये 1871 में अंग्रेजों के समय में भी एक्ट 23 में आप देख सकते हैं आर्टिकल 24 में कि हमारी पुरानी पेंशन तब के समय में, कोई नई बात नहीं है। ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि अटल की गलती, मोदी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो ना सरकार। लेकिन सत्ता में लाने वाले तो आप ही लोग हैं, फिर अब परेशान हो रहे हैं। 2014 से बताया जा रहा है कि बहुत बदलाव किए गए, इतने अच्छे कर दिया गया है, अच्छे दिन आ गए हैं। बड़ी उम्मीद थी कि मोदी साहब आएंगे राहत लाएंगे, मोदी साहब आएंगे सुधार लाएंगे, मोदी साहब आएंगे रोजगार देंगे। रोजगार मांगा तो कह दिया पकौड़ा तल लो, पेंशन मांगी तो कह रहे हैं अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। साहब क्यों नहीं देखते, अडानी इतना सारा पैसा लेके डूब गया शेयर मार्केट में, क्यों नहीं नीरव मोदी को पकड़ते, देश का पैसा वापस आए। ये इतना पैसा है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिल जाती, आप उन पर ध्यान दें, पैसा डूब रहा है और पूरा देश अब दो भागों में बट गया है। पूंजीपति और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। जगह जगह अब आंदोलन हो रहे हैं आप देख सकते हैं। तो सरकार उठिए, जागिए, हमारी ओर देखिए, वरना अब दूसरी सरकार होगी। ललिता जी आप बोल रहे हैं कि बट गया है और अखंड भारत का सपना दिखाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, आप बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं है, बातें और बन चुका है मैडम, बातें और कर्म और, यहाँ कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये कहाँ बट दिख रहा है मुझे बताइए। आप देख सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और बताया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था उठ गई है। कहाँ उठ गई है आप देखिए, पूंजीपतियां जो हमारे हिंदुस्तान में 1100 पूंजीपति हैं जिनके पास हिंदुस्तान का पूरा पैसा है, पूरा पैसा उनके पास है और देश आज उनका गुलाम हो चुका है। तो इसको समझना होगा, देखना होगा और मैं आप सबके माध्यम से ये आवाज़ उठाती हूँ कि कृपया करके सरकारों को जगाएं। आज गोदी मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया पर लोगों का विश्वास है, भरोसा है, इसीलिए हम लोग अपनी बात आपके समक्ष रखते हैं। बिल्कुल देखिए साहब, जिसकी रोटी खाएंगे उसके ही गुणगान करेंगे ना, सीधी सी बात है। देखिए वर्तमान सरकार जो बजट पेश कर रही है, सीधी सी बात है, जो हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी, हमारी बात नहीं सुनेगी, हमारा हक अधिकार नहीं देगी, हमारे धन की सुरक्षा नहीं करेगी। एनपीएस, ये है क्या एनपीएस? न्यू पेंशन स्कीम, क्या स्कीम है ये? कहाँ है हमारा पैसा? हमारा पैसा कट रहा है, हमारा पैसा 24% हर महीने कटता है और उसके बाद वो शेयर मार्केट में जाता है। वो कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका हमारे पास कोई ब्यौरा नहीं है। कृपया करके उसे हमें बताया जाए, समझाया जाए और सभी सरकारी कर्मचारियों को आश्वासन और भरोसा दिलाया जाए। अच्छा, जब यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आपकी मांगे नहीं मानी तो आप क्या कुछ करेंगे? देखिए ये संकल्प धरना है जहाँ आवाज उठा रहे, इसके बाद बड़ा आंदोलन होगा, रामलीला ग्राउंड पे धरने धरे जाएंगे और अनिश्चित काल तक हम लोग धरना धरने की एक संकल्प में आज यहाँ आए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, नर्सिंग यूनियन है, केएवएस की यूनियन है, इपूसा की यूनियन है, मंत्रालय की यूनियन है, आज डुक्कू डुकलसा पूरे कॉलेजेस की यूनियन यहाँ पर है, सरकारी कर्मचारी जो अध्यापक टीचर्स हैं उनकी यूनियन है, तमाम दिल्ली के जितने भी सरकारी महकमे सबकी यूनियन आज हमारे पास है। अच्छा, लगातार जो है आप लोग सभी जितने भी आंदोलन करता है बोलते कि सरकार ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, तो विपक्ष में कोई है कि जो आ सके, टक्कर में है कोई? देखिए नहीं है तो उठ जाएगा। समय परिवर्तनशील है और परिवर्तन वाले इतिहास गवाह हैं कि हम सब ने बहुत परिवर्तन देखे। ये दिल्ली कभी भी किसी एक की होकर नहीं रही है, हिंदुस्तान का धड़कता दिल दिल्ली बखूबी जानता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि कलम की ताकत अध्यापकों के पास है। हम सब जानते हैं हमें क्या करना है, कैसे करना है और सही समय पर हम वोट की चोट देंगे। देश को विश्वगुरु बनाने की बात चल रही है, गुरुओं को प्राथमिकता दी जा रही है। आप देखिए ना, ये सारे गुरु खड़े हैं, 60,000 अध्यापक आज यहाँ पर आके खड़ा हुआ, उनकी यूनियन यहाँ खड़ी हुई है। मैं जेएसटीए के पैनल अध्यापक शक्ति मंच के उपाध्यक्ष आज आप सबके समक्ष पूरे 60,000 अध्यापकों की नुमाइंदगी कर रही हूँ कि ये लोग क्या गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं और क्या गुरुओं को आज राहत दे रहे हैं। विश्व गुरु की बात करते हैं लेकिन आज संस्कार, सभ्यता,
संस्कृति सब गर्त में जा रहा है। सारे प्रवक्ता हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी रंग को लेकर उन्होंने चर्चा की लेकिन अंग को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ और अध्यक्ष हूँ तो इस मामले में अपने देश की बात करूँगा। हमारे साथ थे ललिता अध्यापक जी, जो तमाम बातों पर चर्चा की। किस तरीके से आप देख सकते हैं, तमाम लोग जो है एकजुट होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी युवा हो तो कभी किसान तो कभी महिलाएं, तो कभी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ टीचर्स को भी अब जो है गुहार लगाने के लिए संसद मार्ग पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तमाम लोग जो है त्राही त्राही चिल्ला रहे हैं, लेकिन सरकार जो है आंखें बंद कर बैठी हुई है और बजट पे बजट ला रही है। आम जनता की राहत की बात की जाती है, लेकिन क्या इस बजट में आम जनता की बात की जा रही है? तमाम दावेबाजों में फेल हुई ये सरकार लगातार फेल होती जा रही है, और अपनी जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया उसकी वाही वाही गा रही है, और लगातार जो है इस मीडिया के द्वारा ही सरकार को जो है नंबर वन पे दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत पर अगर आप आकर के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक एक व्यक्ति यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन करता है, और तमाम बातों को लेकर यहाँ पर अपनी धरना प्रदर्शन को लेकर के तमाम बातों को लेकर के हक अधिकार के लिए लड़ने आता है, लेकिन सरकार जो है सो रही है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, संसद मार्ग, दिल्ली।